जय उत्तराखंड वैश्विक मंटन में आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से। दिल्ली में उत्तराखंडी महाकुंभ का हुआ पूर्वी दिल्ली में विशाल मंचन। पूर्वी दिल्ली विनोद नगर में उत्तराखंड समाज द्वारा महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी और उनकी टीम द्वारा पहाड़ों की संस्कृति को दर्शाया गया। हजारों की संख्या में समाज के लोग कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम में दिखा उत्तराखंडी सांस्कृतिक साहित्य और समाज की एकता का संगम। आइए देखिए दिल्ली से हमारी एक रिपोर्ट। डिले डालो इसमें, म्यूट कर डिले, म्यूट कर डिले। हेलो, हाँ सब लोगों को स्वागत है। पूरे उत्तराखंड का महाकुंभ जो यहाँ पर विरोध के माध्यम से यहाँ पे कर आभार व्यक्त कर चाहना था। बधाई देती हूँ उत्तराखंड एकता मंच दिल्ली को, एक ऐसी धमक निकाले उत्तराखंड लोक सेवा साहित्य मंच दिल्ली, लोगों को लगे विकास मंच दिल्ली और डॉक्टर विनोद बचेती जो डायरेक्टर संदीप एम आई का जो प्रयास से हम आज आपके बीच में हैं। इसके आयोजनकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक पहल है, जिस तरह से दिल्ली में हम उत्तराखंड के लोग लगभग 35-40 की आबादी में हम हैं, उस तरह से इस पहल को जो हम बहुत अच्छे तरह से हमको मानते हैं सराहनीय प्रयास है। और जहाँ तक यहाँ पे आज सांस्कृतिक साहित्यिक और सामाजिक एकता का संगम जिस तरह से आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस तमाम भीड़ से आपको ये अनुभव हो रहा है और महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड के लोग दिल्ली में अब राजनीतिक सोच के दृष्टिकोण से अब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह उत्तराखंडी पर्व को जो है महापर्व घोषित करने की पहल की गई है, क्या लगता है कि सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा उत्तराखंड की एकता को देख के? जी हाँ, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ बार बार, जिस तरह की आज यहाँ पे एकता दिख रही है, विशाल जन समूह आप देख रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं सबकी निगाहें उत्तराखंड के अंदर लाखों की संख्या में उत्तराखंड के हमारे बंधु रहते हैं।
और कहीं ना कहीं हम सब लोग उत्तराखंड के लोग धार्मिक कार्यक्रमों में सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं, लेकिन ये एक अच्छी पहल हुई है कि यहाँ पर उत्तराखंड महाकुंभ में पूरे दिल्ली को हमने न्योता है और आप देखेंगे पूरा का पूरा ग्राउंड हजारों की संख्या में भरा हुआ है। अच्छा, जिस तरह से उत्तराखंड समाज एकजुट हो रहा है, एकमुट हो रहा है, क्या लगता है कि उत्तरायणी पर्व जिस तरह से महापर्व घोषित करने के लिए कह रहे थे, अब एक अक्सर उसकी और आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, इस बार जो हमारे उत्तरायणी और जितने भी हमारे पर्व हुए हैं 176 पर्व पूरी दिल्ली में हुए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का व्यक्ति अपने कार्यक्रमों को लेकर, अपने संस्कारों को लेकर आगे बढ़ेगा। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।